गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के इस आंदोलन में भी फूट पड़ने लगी है। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। यहाँ पर जब आंदोलन शुरू हुआ था और उसके लगातार 64 दिन तक लगातार यहाँ किसान खचाखच भरे हुए थे, सभी तरफ टेंट और तंबू लगे हुए थे। और अगर इस तरफ की बात की जाए तो यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ और ट्रैक्टर ट्रोलियाँ खड़ी हुई थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लेकिन 26 जनवरी की हुई हिंसा के बाद से यहाँ की तस्वीरें अब बदलने लगी हैं। अगर बात की जाए सुबह की, तो सुबह से ही लगभग सैकड़ों किसान यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरह की दिल्ली में हिंसा हुई है, उसके बाद हमारे घर वालों से जब बात की जा रही है, पूछा जा रहा है, तो वो हमें वापस बुला रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होगी, कहीं उसमें वो भी ना लपेटे जाएं। तस्वीरें आप फिर देख लीजिए, ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जो अब से 2 दिन पहले लगातार भरा हुआ था, लेकिन आज खाली नज़र आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए थे, कब से रहते हैं? मेरा नाम संजय प्रजापति है, मैं कासगंज जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय टिकैत किसान यूनियन का, और मैं यहाँ 29 नवंबर से हूँ, गांव ज़िले पे आता जाता रहता हूँ। आज हालात क्यों बदल गए, 26 जनवरी के बाद ऐसे क्यों हो गया कि किसान लगातार पलायन कर रहे हैं, आंदोलन क्यों ख़त्म हो रहा है? नहीं, आंदोलन ख़त्म नहीं है ना, पलायन कर रहे हैं। जैसी पहले शुरू में भीड़ थी, वैसी भीड़ है। वो 26 जनवरी मेले की भीड़ थी, जिसमें कुछ उपद्रवियों ने अपना असली रूप दिखाते हुए आंदोलन को भटकाने की कोशिश की, जिसकी हम और निंदा करते हैं। वो जिन्होंने हिंसा फैलाई, क्या वो किसान नहीं थे? एक सवाल है जो देश पूछ रहा है लगातार। नहीं, वो किसान नहीं थे, वो किसान हो ही नहीं सकते। किसान कभी अपने देश की संपत्ति का नुकसान कर ही नहीं सकता। वो किसान के भेष में गद्दार थे, जिनकी हम घोर निंदा करते हैं। अब आंदोलन में देखा जा रहा है कि लोग कम हो रहे हैं, किसान धीरे धीरे अपने घर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर हम बात की जाए आज से 10 दिन पहले की, तो यहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी, लेकिन अब देखा जा रहा है लंगर कम हो गए हैं, भंडारे कम हो गए हैं, किसान कम हो गए हैं, अपने घर जा रहे हैं, रजाई गद्दे लेकर घर जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि अब खेती में भी थोड़ा काम है, आते जाते रहेंगे किसान। इसका मतलब ये नहीं है कि किसान डर गए हैं, क्योंकि उसमें किसानों का कोई रोल ही नहीं है। जो ये घटना हुई थी, वो तो उपद्रवियों ने कर दिया, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। जो एफआईआर हुई है उसमें भारतीय किसान यूनियन के टिकैत साहब का भी नाम है और तमाम ऐसे बड़े किसान नेता हैं जिनका नाम आया है, उसको देखकर क्या कहते हैं? वो टिकैत साहब तो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं है, एफआईआर में नाम है उनका, तो नेताओं पर तो नाम आते रहते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन की ये तस्वीर है, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान आंदोलन का आगे का रुख क्या हो सकता है। बहरहाल, अब देखने वाली बात यह होगी इन 2 दिनों में किसान आंदोलन की क्या आगे की तस्वीर रहेगी। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल।